राज्य की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 2 महीने से भी कम समय में ही कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त, परिवार की हर मुखिया महिला को 2000 रुपए और अन्नभाग्य योजना आदि अमल में आ गए हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि राज्य के महिलाएं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं। तो वही विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा शराब की कीमतों को बढ़ाने से कई पुरुष विरोध व्यक्त कर रहे हैं। शहर में रहे शराब की दुकानों पर जब कुछ ग्राहकों को दुकानदार ने कहा कि अब ये शराब के दाम बढ़ गए हैं, तो वह तुरंत राज्य सरकार पर पुरुषों से नाइंसाफी करने का आरोप लगाने लगी। यह घटना बीदर शहर में देखने में आई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।